बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव पंजाब में अकेले लड़ेगी बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अकाली दल और बीजेपी में नहीं बनी बात। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी, पंजाब में अकेले मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर अकाली दल के साथ बातचीत नहीं बन पाई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अकाली दल और बीजेपी में बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद बीजेपी ने पंजाब में अकेले ही लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, जिस तरीके से अब पंजाब में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरेगी, ऐसे में किस तरीके से अब पंजाब में बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है? देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आएगी। ये ऐलान जो है अब बीजेपी की तरफ से किया गया है, यानी 13 की 13 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लगातार सुगाटें थी कि अकाली दल के साथ गठबंधन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ने साथ मिलकर, यानी बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हुई नजर आई किसान आंदोलन के समय में, तो उसको लेकर अकाली दल जो है अलग होता हुआ जो है नजर आया था। और इस बीच अब जो है समझौता नहीं हो पाया अकाली दल और जो है बीजेपी के बीच में, और पंजाब में अब बीजेपी जो है अकेले कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी, कि जो किसान आंदोलन से संदर्भ रखने वाली जो तमाम चुनौतियां हैं उसको कैसे पार जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो है करती हुई नजर आती है। लेकिन जो हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, तमाम बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर पंजाब में जो बीजेपी है उसमें शामिल होते हुए नजर आए, सुनील जाखड़ की बात की जाए, कैप्टन अमरिंदर की बात की जाए, या फिर उनकी पत्नी की बात की जाए, तो तमाम चुनौतियों के बीच में अकेले लड़ने का फैसला लिया है पंजाब में। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो कोई इतना जो बेहतर प्रदर्शन है वो देखने को नहीं मिलता नजर आया था जो है बीजेपी का, लेकिन इस बार किस तरीके से जो है प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आएगी पंजाब के समर्थन संदर्भ में, वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की भी बात करते हैं तो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो दोनों भी अलग अलग लड़ती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में पंजाब में मुख्य रूप से 4 पार्टियों के बीच में चुनाव देखने को मिलता नजर आएगा, जिसमें बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, ये भी जानना चाहेंगे कि अकाली दल और बीजेपी में बात ना बन पाने की कुछ वजह स्पष्ट हो पाई हो, क्या कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे कि इस बार दोनों पार्टी अलग अलग लोकसभा चुनाव में मैदान? देखिए, कई सारे अहम मसले थे आज जो है जिसको लेकर हम बात करते हैं सीधे तौर पर, तो जो विवाद का कारण जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे सीधे तौर पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी किसानों को लेकर जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। किसान आंदोलन की बात की जाए या फिर जो पिछले दिनों किसान कानूनों की बात की जाए, इनको जो है वापस भी लिया गया था, और उसके बावजूद हमने देखा था कि किसान जो है पिछले दिनों प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अकाली दल भी चाहता था कि जो है किसी तरीके से जो उनका वोट बैंक है वो जो है ना छिटकता हुआ जो है नजर आए, क्योंकि जो है हमने देखा कि एक समय जो है अकाली दल जो है सरकार चलाया करता था, लेकिन उसके बाद से जो प्रदर्शन है उनका भी जो है ठीक नहीं देखने को पंजाब में जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अपना अपना जो सबका वोट बैंक है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो बयान जारी किया गया पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, सुनील जाखड़ की तरफ से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो है हम अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है वो लगातार किसानों की बात की जाए, उनके लिए जो है काम करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आय बढ़ाने की बात हो या फिर एमएसपी जो है अलग अलग फसलों पे देने की बात हो। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक घटनाक्रम पंजाब में बड़ा निकलकर सामने आया कि अब जो है पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बने रहिए स्पर्श, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा चुनाव से जुड़ी, जहां पंजाब में अकाली दल और बीजेपी में बात नहीं बनी है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब से क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोन कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय,
लीडर साहबान की वख वख राय उन्हां सारयां नूं लै के उहदे बाद पंजाब दे भविख पंजाब दी जवानी पंजाब दी किसानी पंजाब दे व्यापारी पंजाब दे सनतकार पंजाब दे मजदूर साडा पिछड़ा वर्ग सारयां दी बेहतरी वास्ते एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते किसे तो बोल लिया नहीं। किसानां दे फसलां दा एक एक दाणा पिछले 10 साल चक्या गया MSP ते जिहड़ी उहनां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते दे अंदर अंदर उहनां दे खातियां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब दा लांघा जिहदे वास्ते सदियां तों इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां दी मंग करदे सी उह भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच सानूं अज आ जिहड़ी कृपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है बख्शिश दित्ती है आ प्रधानमंत्री मोदी जी दी बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ते अगे भी पंजाब दा सुनहरा भविख आ मन के कि पंजाब दी बेहतरी पंजाब दा सुरक्षित भविख ते पंजाब दी सरहदी मजबूती इत्थे अमन शांति नूं मजबूत रख के ही भारत अगे तरक्की कर सकदा है इस दे मद्देनज़र आ फैसला लिया गया है। ते मैनूं पूरा यकीन है आने वाले 1 जून नूं पंजाब दे लोक BJP नूं होर मजबूत बना के देश दी उन्नति दे विच पंजाब दा योगदान BJP नूं वोट दे के हुम हुमा के पाणगे। तो लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, अब पंजाब BJP प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ राय मशवरे के बाद ही फैसला लिया गया है और ये दावा भी किया है कि पंजाब की जनता का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए बिल्कुल जो है तमाम जो मशवरा है वो आज जो है यहाँ पर किया गया तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में और न केवल कार्यकर्ता बल्कि शीर्ष लेवल पर भी बातचीत देखने को मिलती नजर आई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अलग अलग काम है वो पंजाब में जो है केंद्र सरकार उसकी तरफ से किए गए, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर साहब की बात हो या फिर जो अलग अलग फसलों पर पिछले दिनों MSP बढ़ाई गई थी उसकी बात हो या फिर जो किसान कानून वापस लेने की बात हो, ये तमाम ऐसे फैसले थे जो पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए जो है कहीं ना कहीं जो है समझ आते हैं। तो ऐसे में लेकिन फिर उसके बावजूद जो है पिछले लंबे समय साथ अकाली दल का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता था जो है वो अब साथ कहीं ना कहीं जो है पिछले दिनों टूटता हुआ नजर आया था और वो साथ जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जो है टूटता हुआ जो है नजर आएगा। यानी अब अकाली दल अपनी सीटों पर लड़ता हुआ नजर आएगा, पंजाब में BJP अपनी सीटों पर जो है अकेले लड़ती हुई जो है नजर आएगी और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस तरीके से जो है उम्मीदवार जो है पंजाब में जो BJP है वो उतारती हुई नजर आती है, क्या अकाली दल जो है तमाम सीटों पर जो है आने वाले समय में जो है अपना कैडर या फिर कहे की जो सीटें हैं वो आज उतारती हुई नजर आएगी, ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय में महत्वपूर्ण देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी इस लिहाज से की क्योंकि अगर हम पिछले अगर चुनाव की भी बात करते हैं तो गुरदासपुर वो सीट देखने को मिलती हुई नजर आती थी जहां पर जो BJP है वो आज जो है जीतती हुई जो है नजर आई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी वहां पर जो है कई सीटें मिलती हुई जो है नजर आई थी। जो कांग्रेस है वो 8 सीट जीतती हुई नजर आई थी, अकाली दल 2 सीट, BJP 2 सीट और जो आम आदमी पार्टी वो 1 सीट जो है जीतती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में इस बार किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा वो आज जो है महत्वपूर्ण जो रहेगा क्योंकि आप हम बात करते हैं तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने तरीके से जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में होते हुए भी आम आदमी पार्टी और अगर हम बात करें आज जो कांग्रेस है वो अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जहाँ पिछले दिनों एक लंबा साथ जो है अकाली दल और BJP का देखने को मिलता हुआ नजर आता था वो अब टूटता हुआ जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पंजाब जो है खुला हुआ है लेकिन एक चुनौती BJP के सामने इस लिहाज से भी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ नजर आया था उसको किस तरीके से पार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि आगे किस तरीके से रणनीति BJP बनाती है पंजाब में क्योंकि इस बार मैदान में भी अकेले है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बात नहीं बन पाई जिसके बाद अब पंजाब में अकेली चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी।